Good morning, class 7th. Welcome back to the online classes, students. So, class, today we will learn our English grammar, third chapter of our English grammar book, that is, possessive pronoun and apostrophe. I think that I have told you about possessive pronoun. What is possessive pronoun, students? Let's start with our

कहाँ की है ओके क्लास लेट्स स्टार्ट पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज टू एक्सप्रेस द पोजिशन ऑफ अ प्रोनाउन ऑन एनी पर्सन और थिंग वो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है कोई जगह है तो वो पर्टिकुलर चीज डिपेंड करती है किसी का पलसन बताती है, <coughs> किसी का पल्सन बताती है कि ये चीज़ उसकी है ये चीज़ उसकी वजह से है ये चीज़ उस जगह पर है फॉर एग्जाम्पल दिस एम्बरेला इज़ माइन ये अम्ब्रेला मेरा है वो अम ये अम्ब्रेला तो है लेकिन किसका है कहाँ का है कुछ नहीं पता बट अगर बोल दिया जाए दिस अम्ब्रेला इज़ माइन ये अम्ब्रेला मेरा है इसका मतलब कि उस अम्ब्रेला का Position, वो किसे बिलोंग करता है वो किसका है ये पता चल जाएगा सेकेंड इज द ग्रीन बुक विदाउट कवर इज योर्स कोई ग्रीन बुक है रखी हुई है पढ़ी हुई है हमें नहीं पता किसकी है कहाँ से आई है बट अगर हम बोल दें द ग्रीन बुक विदाउट कवर इज योर्स वो ग्रीन बुक जिसमें कवर नहीं है वो तुम्हारी है, ओके okay, क्लास ये पर्शन बताया जा रहा है बिलोंगिंग बताई जा रही है कि वो ग्रीन बुक तुम्हारी है वो अम्ब्रेला मेरा है ओके यू कैन सी दैट परिसिव केस ऑफ प्रोनाउन कम्स आफ्टर वर्ब इन ईच ऑफ सेंटेंसेस गिवन अबाउ अभी आपने देखा कि जो परिसिव केस ऑफ प्रोनाउन है वो वर्ब के डायरेक्ट आफ्टर आता है डायरेक्ट बाद आता है जैसे कि देखिए द अम्ब्रेला इज़ माइन इज वर्ब है उसके जस्ट बाद आया पॉजिटिव प्रोनाउन जो कि माइन है सेकेंड एग्जाम्पल में द ग्रीन बुक विदाउट कवर इज़ योर्स इज वर्ब है योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है इन थर्ड एग्ज़ाम्पल द न्यू होंडा सिविक कार इज़ देयर्स यहाँ पे इज एंड जस्ट आफ्टर देअर्स फोर्थ द स्कूल इज आर्ट इज वर्ब और आर्ट्स पजिसव प्रोनाउन अदर देन माइन ऑल द पजिव केसेस ऑफ प्रोनाउन हैव एस विदाउट एन अप्रोफी एंड देयर एंड पोजिशंस देखिए माइंड को छोड़ करके सिर्फ माइंड को छोड़ करके बाकी जो भी पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन हैं जो भी पॉजिटिव प्रोनाउन हैं उनके लास्ट में एस यूज़ हुआ है वो भी बिना एपोस्ट्रॉफी के एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा हुआ है उनमें एंड में रिमेंबर दैट नो अपोस्ट्रॉफी इज़ यूज विद द पल्सिव केस ऑफ प्रोनाउन जो पल्सिव केस ऑफ प्रोनाउन होते हैं उनके साथ कभी अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होता है हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ डिफरेंस बिटवीन पलिसिव केस ऑफ प्रोनाउन एंड पल्सि एडजेक्टिव अब पल्सिव केस ऑफ प्रोनाउन पजिटिव प्रोनाउन और पजिसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है चलिए हम वो जानते हैं पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन इंडिकेट्स द पोजिशन और बिलोंगिंग ऑफ अ प्रोनाउन जो पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है वो पर्टिकुलर किसी प्रोनाउन की बिलोंगिंग को बताता है पोजिशन बताता है कि ये चीज़ उसकी है ये चीज़ मेरी है वेयर एज इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एज बींग इन समेन वहीं दूसरी तरफ जो पलिसिव एडजेक्टिव है वो क्वालिटी ऑफ नाउन को दर्शाता है क्वालिटी ऑफ नाउन को बताता है दे टेक डिफरेंट पोजिशंस इन अ सेंटेंस दोनों ही एक सेंटेंस में आते हैं और दोनों ही अलग अलग जगह पर आते हैं उन दोनों की पोजिशंस बिल्कुल अलग है एक सेंटेंस में फॉर इंस्टेंस द पलिसिव केस ऑफ प्रोनाउन कम्स आफ्टर द वर्ब जो पलिसव केस ऑफ प्रोनाउन है वो डायरेक्ट वर्ब के बाद आता है वेयर एज पल्सिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन इन अ सेंटेंस वहीं दूसरी तरफ जो पल्सिव एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले आता है किसी सेंटेंस में लुक एट सेंटेंसेस गिवेन बिलो चलिए आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं द रेड अम्ब्रेला इज माइन पल्सिव केस ऑफ प्रोनाउन ये पलिसिव केस ऑफ प्रोनाउन है द रेड अम्बरेला इज माइन इज यहाँ पे वर्ब है उसके जस्ट आफ्टर आया माइन या यानी कि ये हो गया सेंटेंस पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन का चलिए नेक्स्ट इज गिव मी माय रेड अम्ब्रेला मैंने अभी बताया था कि वर्ब के जस्ट बाद जो आता है वो पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है और जो नाउन के जस्ट बाद आता है वो पजेसिव एडजेक्टिव है सो so, यहां पे क्लास जो मी के बाद डायरेक्ट माई आया है वो पजिसिव एडजेक्टिव है मी यहाँ पर नाउन है माई यहाँ पर पलिसिव एडजेक्टिव है थर्ड इज दैट हाउस एट द एंड ऑफ द लेन इज देयर्स इज के जस्ट बार आया देयर्स यानी कि ये पलिसिव केस ऑफ प्रोनाउन का एग्जाम्पल है देयर हाउस इज एट द एंड ऑफ द लेन अब पजिसि एडजेक्टिव देखिए नाउन है हाउस उनका हाउस यानी कि तुरंत इंडिकेट कर दिया कि नाउन है नाउन के पहले या बाद में आता है ये पजिसिव एडजेक्टिव ओके क्लास तो पजिसिव केसेस और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं किस तरह यूज़ होते हैं हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं ये सब हम फर्दर लेसन में जानेंगे